हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, टुडे टॉपिक इज एप्लीकेशन लिव लिव फॉर ड्यू टू फेवर। ओके स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है अपना एप्लीकेशन, प्रार्थना पत्र। किसके लिए? बीमारी के लिए, फीवर के लिए, बुखार के लिए। बुखार से हम बीमार है और हमें जो प्रिंसिपल सर है उनको सूचना देनी है, तो हम क्या लिखेंगे? एप्लीकेशन। किसको लिखेंगे? प्रिंसिपल सर को। ठीक है, स्टार्ट करें स्टूडेंट्स, रेडी फॉर स्टडी? यस मैम, यस मैम। तो एप्लीकेशन, एप्लीकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? एप्लीकेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रार्थना पत्र। क्या बोलते हैं? प्रार्थना पत्र। किस लिए चाहिए? फॉर लिव, लिव के लिए। और लिव क्यों चाहिए? फॉर लिव। और लिव क्यों चाहिए? ड्यू टू फीवर, फीवर के, फीवर हो रही है अपने, तो हमें क्या चाहिए? लीव चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई आंसर नहीं आ रहा आपका? यस या नो, कुछ भी नहीं बोल रहे आप? यस मैम, यस मैम। देखो, एप्लीकेशन फॉर लीव ड्यू टू फीवर, फीवर के लिए एप्लीकेशन। मान लो आपकी फीवर हो गया, हो जाता है ना फीवर, फीवर हो गया, अब आपको स्कूल में इन्फॉर्म करना है किसको? प्रिंसिपल सर को। तो आप कैसे एप्लीकेशन लिखोगे प्रिंसिपल सर को? आपको प्रिंसिपल सर को एप्लीकेशन लिखनी है, तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे? एप्लीकेशन बुखार है, एप्लीकेशन स्कूल पर डाले एक फेल की स्क्रीनशॉट ले लो। लाइन की स्टार्टिंग से, ठीक है स्टूडेंट्स? यस मैम। रफ नोटबुक, ओपन योर रफ नोटबुक। मिट्टू भाई जल्दी से, एक आवट है रफ नोटबुक, जो पेन और कॉपी पकड़ जा, और आपको मेरे साथ ही राइट करना है। मिट्टू भाई, ओ मिट्टू भाई, मिट्टू भाई, ठीक है। टू द प्रिंसिपल, फिर क्या लिखना है? अपने स्कूल नेम क्या लिखना है? स्कूल नेम। ऊपर कॉपी में उतारना है क्या? कॉपी ले लो, तो साथ साथ लिख दो। मेहता पब्लिक ग्रामर के, टू प्लान एक लिख, मेहता पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। मैम, यस मैम, कॉपी में उतारना है क्या? क्या रफ कॉपी में लिखना है? हाँ, रफ नोटबुक में लिखना है और स्टार्टिंग से लिखना है। ये मान लो आपकी नोटबुक का कॉलम है, ये आपकी नोटबुक का ये कॉलम है, और यहाँ से स्टार्ट करना है। हेडिंग डालना है एप्लीकेशन फॉर लिव इट ड्यू टू फीवर, फीवर के लिए एप्लीकेशन। ठीक है, वो तो बाद में लिख लीजिए। तो एप्लीकेशन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल उदयपुरिया, उदयपुरिया हरमाड़ा, हरमाड़ा। फिर नीचे जयपुर,
जयपुर। यहाँ तक राइट करो। यहाँ तक राइट करने के बाद आपको क्या लिखना है? सब्जेक्ट, ठीक है? यहाँ तक राइट करने के बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, या सब्जेक्ट से पहले डेट लिख लो। डेट कितनी है? मैम। यस मैम। हाँ बोलो। मैम बोलो, मैम पढ़ना भेज देना, क्योंकि हमारे पास रफ कॉपी नहीं है। रफ नोटबुक है ही नहीं? ना मैम। ठीक है, मैं वर्क तो सेंड करूंगी, पर अभी आपको समझना है, लिखना है कैसे, क्या लिखना है ये समझना है, ठीक है दीक्षा? मैम इसको सेंड कर देना। हाँ सेंड तो मैं कर दूंगी, अभी भी तो कुछ करना है आपको। ओके मैम। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखना है? टू। फिर सेकंड लाइन में, सेकंड लाइन से इस लाइन को बस टू लिखने के बाद आपको छोड़ देना है। फिर नेक्स्ट नीचे वाली लाइन में लिखना है द प्रिंसिपल, ठीक है? फिर इतना लिखने के बाद इसको भी छोड़ना है। फिर थर्ड लाइन में लिखना है द पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, फिर इतना लिखने के बाद फोर्थ लाइन से स्टार्ट करना है उदयपुरिया हड़माड़ा जयपुर। फिर डेट 4 अगस्त 2021, ठीक है? इस डेट डालने के बाद आपको लिखना है सर, सर लिख इतना लिखो और मेरे को दिखाओ। विजयलक्ष्मी इतनी लेट कैसे हो आप? मैम नेट नहीं पकड़ा था, नेट नहीं चल रहा था, आप कनेक्ट हो गया। ओपन योर रफ नोटबुक विजयलक्ष्मी। ओम प्रकाश आप दिखाओ, कैमरा ऑन करो। ओम प्रकाश कैमरा ऑन, नोटबुक में दिखाओ आप मेरे को कहाँ से स्टार्ट किया आपने। ओम प्रकाश नोटबुक में दिखाओ मेरे को, नहीं दिख रहा है। आपने ये स्टार्टिंग में जगह क्यों छोड़ी है? थोड़ा इधर खिसका हूँ, स्टार्टिंग में जगह नहीं छोड़नी है आपको। जो कॉलम दे रखा है कॉलम के पास में से ही स्टार्ट करना है, ठीक है? आप दिखाओ। यस सर मैम। यस मैम। यस सर मैम, कैमरा ऑन करो। यस सर मैम, कैमरा ऑन करो जल्दी से, फिर मैं आगे का लिखूं। यस शर्मा, विजयलक्ष्मी, विजयलक्ष्मी कैमरा ऑन करो। अरे कुछ तो बोलो, कैमरा ऑन नहीं हो रहा है, तुम से बोलो कि नहीं ऑन हो रहा है। यस और विजयलक्ष्मी कुछ बोलोगी नहीं तो मेरे को पता कैसे चलेगा। यस शर्मा बताओ क्या प्रॉब्लम है। आगे का राइट करवाऊं आप लोग तो ना, तो मेरे को ऐसे लग रहा है आप लोगों ने राइट ही नहीं किया, विजयलक्ष्मी और यश शर्मा ने, तभी नहीं दिखा रहे। टू द प्रिंसिपल मेहता पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल उदयपुरिया हरमाड़ा जयपुर 4 अगस्त 2021। फिर लिखना है सर,
फिर उसके नीचे लिखना है आपको रेस्पेक्टफुली, रेस्पेक्टफुली आई, रेस्पेक्टफुली दिस इज टू इन्फॉर्म, या फिर आप लिख सकते हो आई बैग, आई बैग टू से, आई बैग टू से दैट दैट आई एम स्टूडेंट, स्टूडेंट ऑफ क्लास थर्ड, क्लास थर्ड आई एम सफरिंग, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई एम सफरिंग फ्रॉम, यहाँ दिख रहा है सफरिंग? नहीं दिख रहा, बोलेंगे नहीं पर नहीं दिख रहा, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, फ्रॉम हाई फीवर, फीवर द डॉक्टर, द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड, एडवाइज्ड मी, एडवाइज्ड मी, एडवाइज मी टू टेक रेस्ट, टू टेक रेस्ट, टू टेक टू डेज रेस्ट, टू डेज रेस्ट, सो आई कैन नॉट, सो आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल, अटेंड द स्कूल, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपको न्यू लाइन से स्टार्ट करना है, यहाँ से न्यू लाइन से, फिर यहाँ न्यू लाइन से, फिर यहाँ से न्यू लाइन से, फिर यहाँ से न्यू से हो जाएगा, फिर यहाँ से भी न्यू लाइन से करना है, फिर ये भी न्यू लाइन में लिखना है, फिर यहाँ से न्यू लाइन में लिखना है यहाँ तक, ठीक है। फिर अब न्यू लाइन में स्टार्ट करना है, ये इतना लिखने के बाद आपको यहाँ से न्यू लाइन में स्टार्ट करना है, काइंडली, kindly grant me leave for 2 days, 2 days, ठीक है। इतना करने के बाद आपको फिर न्यू लाइन से I shall be very, very thankful, thankful to you. फिर आपको नीचे वाली लाइन में लिखना है यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा इसलिए मैं इधर लिख रही हूँ, ठीक है। Yours obediently, ठीक है, Yours obediently। फिर यहाँ पे आपको नेम लिखना है, जैसे किसी का परिधि, तो परिधि नेम लिख दो, परिधि शर्मा, ठीक है, बस। आपको क्लास वगैरह नीचे कुछ भी नहीं लिखना, हाँ यस, हाँ
मेरे खुद का नाम लिखना है क्या? जी आपको यहाँ खुद का नेम राइट करना है, ठीक है। ओम प्रकाश अपना नाम राइट करेगा, ओम प्रकाश दीक्षा मोवाल अपना नेम राइट करेगी, यस अपना करेगा, विजय लक्ष्मी अपना खुद का करेगी, ठीक है। अंडरस्टैंड, एनी प्रॉब्लम? नो मैम। जल्दी से मेरे को राइट करके कैमरा ऑन करके बता दो कितना हुआ, फिर मैं एक बार दोबारा से स्पीक करेंगे, हम ओरल करेंगे एक बार इसका। जल्दी से राइट करके दिखाओ मेरे को, राइट हुआ या नहीं हुआ। ओम प्रकाश, ओम प्रकाश साफ नहीं दिख रहा, ठीक मैम दिखा दिया। मैम है। योर ओबीडिएंटली लिखा ही नहीं आपने, लिख लिया क्या योर ओबीडिएंटली? क्या? योर ओबीडिएंटली ये, यस मैम। ठीक है। दीक्षा मुवाल आपके पास सिर्फ नोटबुक नहीं है। नो मैम। विजय लक्ष्मी, विजय मैम लक्ष्मी पिता मैंने क्या हुआ, लिखना स्टार्ट ही किया है क्या? दिख रहा नहीं है, साफ दिखाओ। दिख रहा ही नहीं आपका तो, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। और ये शर्मा चले गए क्या? ठीक है, राइट करो, राइट हो गया। ओरल स्टार्ट करें, यस मैम। ठीक है। ओरल स्टार्ट कर रही हूं मैं। सबसे पहले एप्लीकेशन, प्रार्थना पत्र। क्या है एप्लीकेशन? प्रार्थना पत्र फॉर लीव, किसके लिए? छुट्टी, लीव छुट्टी। ड्यू टू फीवर, फीवर होने के कारण छुट्टी चाहिए, इसलिए हमें क्या लिखना है? प्रार्थना पत्र। जो भी किसको लिखना है? प्रिंसिपल सर को। स्टूडेंट्स हमें छुट्टी चाहिए, हमारे फीवर हो गया, हमें छुट्टी चाहिए, तो इसलिए हम प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। तो स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे? टू द प्रिंसिपल मेहता पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल उदयपुरिया हरमाड़ा जयपुर। इतना लिखने के बाद हम क्या क्या करेंगे? डेट डालेंगे आज की, जिस दिन हम लिख रहे हैं उस दिन की डेट अपने को लिखनी है। तो आज 4 डेट है, 4 अगस्त है, तो हम क्या लिखेंगे? 4 अगस्त, ठीक है। 4 अगस्त 2021। फिर नीचे आप लिखोगे सर, सर को लिख रहे हो तो सर, मैडम को लिख रहे हो तो मैडम। रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, आई बेग टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ यस क्लास थर्ड, थर्ड क्लास की स्टूडेंट हूँ मैं। आई एम सफरिंग, मैं बीमार हूँ, फ्रॉम हाई फीवर, आई फीवर से मैं बीमार हूँ। द डॉक्टर, जो डॉक्टर हैज एडवाइस, जिसने एडवाइस दी है मुझे, मी टू टेक 2 डेज रेस्ट, 2 दिन के रेस्ट करने की एडवाइस दी है। फिर है सो आई कैन नॉट, सो इसलिए, आई कैन नॉट मैं नहीं आ सकता, अटेंड द स्कूल, स्कूल अटेंड नहीं कर सकता, ठीक है। फिर स्कूल अटेंड नहीं कर सकते तो हम क्या बोलेंगे? तो आप मेरे को छुट्टी देने की कृपा करो, तो क्या होगा? काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 डेज, आप मेरे को 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करे, ठीक है, अवकाश देने की कृपा करे। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू, इस आपने जो कृपा करोगे उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा, क्योंकि आप मेरे पर मेरे को छुट्टी दोगे तो मैं आपका थैंक यू करूंगी और आभारी रहूंगी, ठीक है। फिर योवर्स ओबीडिएंटली, योवर्स आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, योवर्स ओबीडिएंटली होता है हिंदी में तो हम लिखते हैं शिष्य या शिष्या, पर इंग्लिश में व्हाट योवर्स ओबीडिएंटली ही होता है, ठीक है। यस मैम। एनी प्रॉब्लम? यस अभी नो मैम। ओरल, अभी ओरल कौन करेगा? दीक्षा मुवाल, दीक्षा मुवाल क्या?
दीक्षा मैम अभी टाइम यहाँ नहीं हुआ, ओरल करो आप, दिख रहा है ना आपको बोर्ड पे? दीक्षा यस मैम, आपको बोर्ड पे दिख रहा है? यस मैम। तो आप ओरल करो एक बार। करो क्या? क्या हुआ? नहीं होगा ओरल? एक बार और करवा दूं मैं? ठीक है। एप्लीकेशन फॉर, एप्लीकेशन किसके लिए है? लीव ड्यू टू फीवर, अपने फीवर हो गया है उसके लिए हमें छुट्टी चाहिए, और छुट्टी के लिए हम एप्लीकेशन किसको लिखेंगे? प्रिंसिपल सर को। ठीक है, इतना क्लियर है? उसके बाद में हमें टू द प्रिंसिपल मेहता पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल उदयपुरिया हड़माड़ा जयपुर 4 अगस्त 2021। सर रेस्पेक्टफुली आई मेक टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 3। आई एम सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर। द डॉक्टर हैज एडवाइज मी टू टेक 2 days rest, so I cannot attend the school. मैं इसलिए स्कूल नहीं आ सकता। Kindly grant me leave for 2 days. इसलिए मेरे को 2 days की क्या करो? छुट्टी देने की कृपा करो, अवकाश देने की कृपा करो। I shall be, इसलिए be very thankful to you. मैं आपको इसके लिए आभारी रहूंगा, ठीक है, धन्यवाद दूंगा। फिर सबसे नीचे लिखना है yours obediently, फिर आपको अपना नेम, नीचे आपको अपना नेम लिखना है। इसमें आपको अपनी क्लास नहीं लिखनी, क्योंकि हमने क्लास पहले ही राइट कर दी है, ठीक है? ओके, अंडरस्टैंड? एनी प्रॉब्लम? यस मैम। नो मैम। यस शर्मा कहाँ भाग गए?